टेकहोम के नए वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं लूप ट्रिप वीपीएन ऐप के बारे में। लूप ट्रिप वीपीएन ऐप क्या है और इस वीपीएन ऐप को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो भी आपके मोबाइल में, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन है लूप ट्रिप एप्लीकेशन, इसको यहाँ पर आप इन्हांस कर सकते हैं आपकी ऑनलाइन स्टेबिलिटी को, और यहाँ पर जो आपके फास्ट वीपीएन सर्वर आपको मिलने वाले हैं जिसमें दोस्तों आप इजीली तरीके से स्टेप बाय स्टेप इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, किस तरीके से आप लूप ट्रिप वीपीएन एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे और किस तरीके से ये ऐप काम करेंगी ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले लूप ट्रिप ऐप को यूज़ करने के लिए ओपन करेंगे। ओपन करते से आपके सामने कुछ इस तरीके से लूप ट्रिप ऐप ओपन हो जाती है। ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देता है जो कि आप देख सकते हैं। लूप ट्रिप वीपीएन एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। और दोस्तों, यहाँ पर आपको इसको यूज़ करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अलग अलग जो ऑप्शंस है, फीचर्स है, वो देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर लोकेशन की बात करें तो अलग अलग जो सर्वर्स है आपको यहाँ नीचे की साइड में मिलेंगे। तो इनमें से जो भी सर्वर को आप यूज़ करना चाहते हैं उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ओके करना है और आप उस सर्वर को यूज़ कर सकते हैं। और जिस सर्वर को सिलेक्ट करेंगे वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर सिक्योर लोकेशन जो जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिक्योर लोकेशन आपको मिल जाएंगी। फाइंड वे, कौन सा फाइंड वे है वो आपको दिख जाएगा। उसी के साथ साथ कनेक्शन रिपोर्ट और प्रॉक्सी का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन भी मिलता है कुछ, जैसे सेटिंग पर क्लिक करेंगे कोई चॉइस, ऑटो कनेक्शन, यहाँ पर स्मार्ट और इस तरीके से जो सर्वर्स हैं आपको मिलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक ऑन ऑफ वाला ऑप्शन मिलता है, इस आइकॉन पर क्लिक करके एप्लीकेशन को आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से लूप ट्रिप वीपीएन एप्लीकेशन को आप यूज़ कर सकते हैं वो भी आपके मोबाइल में।